नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। और कल जो मेरी क्लास हो रही थी तो उसमें अचानक से बीच में मतलब ड्रॉप आउट हो गया था किसी कारणवश। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से मतलब क्लास बीच में ऑफ हो गई थी। तो मैं आपको डीएनए और आरएनए का एक स्ट्रक्चर बता रहा था लास्ट में कि ये डबल हेलिक्स होता है और ये सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है ना। और एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, ये सारी टोटल जो क्लासेस हैं वो आपका सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, एसएससी के लिए, आरओ के लिए, आपका चाहे कोई भी बनते एग्जाम हो, चाहे पीसीएस लेवल तक का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस के संबंधित एग्जाम हो, उसमें सारा कंटेंट बायोलॉजी का आपको इसमें मिलेगा, ठीक है ना। तो किसी भी एग्जाम के लिए आपको अलग से बायोलॉजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक एग्जाम, चाहे ग्रुप डी से लेकर के, चाहे आपके एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम का कंटेंट इसमें मैं आपको समाहित करके चल रहा हूँ। आपको कहीं से अलग से बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से कंटेंट थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो कल मैं जो आपको डिस्कस कर रहा था, मैं आपको डिस्कस कर रहा था डीएनए और आरएनए के शेप के बारे में। इसके बारे में जो डीएनए था, यहां तक मैंने आपको कल बताया था कि डीएनए है साहब, एक आपका आरएनए है, और इन दोनों की जो शेप मैं आपको डिस्कस कर रहा था, ये शेप डिस्कस कर रहा था कि साहब ये डबल हेलिक्स है। क्या है? डबल हेलिक्स है ये। और डबल हेलिक्स में कैसा है स्ट्रक्चर इसका? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कल, क्या बताई थी कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें आपका प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से ये डबल हेलिक्स है। इसमें एक हेलिक्स ये हो गया, एक हेलिक्स ये हो गया, और दोनों हेलिक्स ये जो आपस में किससे कनेक्टेड हैं, ये आपस में कनेक्टेड है हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की उपस्थिति की वजह से ही ये आपका कैसा है? ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। और लेकिन जब आप इसकी बात करोगे तो ये आपका कैसा है? ये आपका सिंगल हेलिक्स है। कैसा है? सिंगल हेलिक्स है। और सिंगल हेलिक्स का आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से जाएगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है। बॉन्ड क्या है? यहां पर एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है। और एब्सेंट होने की वजह से ये क्या है, ये डीएनए के कंपेरिजन में ये आपका लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है सर। क्या है? ये कम स्टेबल है। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये लेस स्टेबल है सर, लेस स्टेबल है। तो यहां तक मैंने कल डिस्कस किया था, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। और आपका जो क्लास रहने वाली है पूरी, ये आपकी पूरा डीएनए और आरएनए के ऊपर पूरी क्लास होने वाली है, ठीक है ना। और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी चीज को आप इधर उधर मत कीजिएगा। जैसे मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उसी कंटेंट में, उसी फ्लो में आपको ये तैयार करना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि साहब ये जो डीएनए है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो आपके नाइट्रोजिनस बेस आएंगे, वो नाइट्रोजिनस बेस कनेक्ट होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ही ये मोर स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। और आरएनए ये सिंगल हेलिक्स है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका एब्सेंट है, और यही कारण है कि ये लेस स्टेबल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, एक चीज जान लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, समझ आ रहा है? इसको थोड़ा सा करेक्शन करेक्ट कर लीजिए, समझ आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है ना, प्रेजेंट है, लेकिन ये सिंगल हेलिक्स होने के कारण, सिंगल हेलिक्स होने के कारण ये क्या है? ये लेस स्टेबल है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये डबल हेलिक्स होने के कारण ये मोर स्टेबल है, इतना ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा करेक्शन करना था बस, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, इस वजह से थोड़ा सा होता रहता है। चलो कोई नहीं, हमने इस चीज को करेक्ट कर दिया है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड वहां भी प्रेजेंट है, लेकिन ये डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स होने की वजह से ये मोर स्टेबल है। ये सिंगल हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स होने की वजह से ये लेस स्टेबल है, इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर कि इसमें जो डीएनए है, डीएनए ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है सेल में, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, डीएनए वहां प्रेजेंट है जहां पर जो सेल ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन रखती है, ध्यान रखना, जिस कोशिकांग के ऊपर डबल झिल्ली है हर, उसमें आपका क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। तो डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, मैंने आपको डबल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। सबसे पहला बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रेजेंट है। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? दूसरा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? तीसरा मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट, 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 यानी कि इसको तो केंद्रक बोलते हैं हिंदी में,
इसको केंद्रक बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या होता है, ये होता है हरित लवक, हरित लवक, बात समझ आ रही, हरित लवक जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, बात समझ आ रही है। तो ये जो डीएनए है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में सब डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है। अगर मैं बात करूं कि ये जो आपके आरएनए है, ये आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल सेल में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको आप देख लीजिए, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका सबसे पहले प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस के अंदर, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है सब न्यूक्लियस के अंदर, और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है रफ रफ एंडो प्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम यानी कि इसको क्या बोलते हैं, खुरदरी खुरदरी अंतः प्रद्रव्य, अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म यानी कि ये किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो सब ये जो आरएनए जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब केंद्रक में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिका यहाँ प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो तीन जगह ये प्रेजेंट होता है आरएनए। और डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में और क्लोरोप्लास्ट में, जो हरित लवक है प्लांट है इसके अंदर, ये प्लांट पर जो पाया जाता है, तो ये आपका यहाँ यहाँ प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इनके फंक्शन की, इनके फंक्शन की बात करते हैं, इनके फंक्शन की आप बात करोगे तो फंक्शन क्या है इनका, अब बात करते हैं साहब इनके फंक्शन की, इस डीएनए का फंक्शन क्या है, डीएनए का काम क्या है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन डीएनए का फंक्शन क्या है, डीएनए का फंक्शन है कि जो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो आपके आनुवांशिक करैक्टर होते हैं, आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जेनेटिक करैक्टर होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। जैसे हमारे पिताजी के पिताजी, उनके हमारे दादा के जो करेक्टर है हमारे पिताजी में आए, हमारे पिताजी के जो करेक्टर है हमारे अंदर आए, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो करेक्टर ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, ये डीएनए करेगा। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, हिंदी में लिख लीजिए इसको या इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में, टू ट्रांसफर द करेक्टर, द जेनेटिक करेक्टर कर लीजिए, जेनेटिक करेक्टर वन जनरेशन टू एनदर जनरेशन, या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे अच्छा रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि ये हिंदी में लिखेंगे इसे, एक पीढ़ी के आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक करेक्टर्स कर लीजिए, गुणों को, एक पीढ़ी के आनुवांशिक गुणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, गुणों को अगली पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी, ऐसे कर लीजिए, आने वाली पीढ़ी, पीढ़ी में लेके आता है, लेके जाता है, बात समझ आ रही है। तो आपका ये क्या चीज है, आपका क्या चीज है, आपका ये जो करेक्टर है, ये जेनेटिक करेक्टर जो आनुवांशिक लक्षण, जैसे जैसे बात करोगे हेयर कलर हो गया, हेयर कलर आपका, आई कलर हो गया, आई कलर हो गया, एक्सेट्रा, जो ऐसे कि होल बॉडी, किसी की होल बॉडी पे अगर फादर के होल बॉडी पे अगर हेयर है, चेस्ट पे हेयर होते हैं, तो वो उसमें भी चले जाते हैं बच्चे में, या कभी कभी नहीं भी जाते हैं। तो जो करेक्टर है, हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, जो हाइट हो गई, वेट, पर्सनैलिटी हो गई, तो ये सब करेक्टर जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है। अब बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए का मेन फंक्शन क्या है, आरएनए का मेन फंक्शन दो है आपके, टू मेक द प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाने का काम करता है,
और क्या काम करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन के संश्लेषण संश्लेषण का ये काम करता है। बात समझ आ रही है? तो दो ही इसके काम है, दो ही इसके वर्क है। क्या है? टू मेक द प्रोटीन, प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण का काम ये करता है। डीएनए का आपको वर्क फंक्शन मालूम पड़ गया और आरएनए का फंक्शन मालूम पड़ गया। अब आगे एक कदम और चलते हैं। एक कदम क्या है आपका, एक कदम और चलते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो डीएनए और आरएनए है, ये आपके दो चीजों से मिलकर, तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। बात समझ आ रही है? तीन चीजों से मिलकर ये बने होते हैं, आरएनए और डीएनए। एक तो मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको क्या बताया था, एक मैंने आपको बताया था शुगर। शुगर दो प्रकार की मैं आपको बता चुका हूं कि राइबो शुगर और डी ऑक्सी राइबो शुगर होती है। आरएनए डीएनए के अंदर डी ऑक्सी राइबो शुगर होती है, और आरएनए के अंदर क्या होती है, राइबो शुगर होती है। और दोनों में पांच पांच कार्बन होते हैं, और इसको पेंटा शुगर भी हम बोलते हैं। तो लिख लीजिए, जो डीएनए और आरएनए है, डीएनए एंड आरएनए, ये किसके बने होते हैं, ये तीन चीजों के मिलकर बने होते हैं। एक आपका शुगर, शुगर शुगर मैं आपको बता चुका हूं, एक फॉस्फेटिक एसिड, फॉस्फेटिक एसिड, और एक आपका बना होता है क्या, नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रो नाइट्रो जीनस बेस, जिसे बोलते हैं एन युक्त क्षार। क्या बोला जाता है, एन युक्त क्षार। और मेन जो डिफरेंस है आपका आरएनए और डीएनए के अंदर, यही आपके नाइट्रोजीनियस बेस का है। बात समझ आ रही है? किसका मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है आपका नाइट्रोजीनियस बेस का। और यही हमें नाइट्रोजीनियस बेस पढ़ना है, यही आपको स्ट्रक्चर को, डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर को ये अलग अलग करते हैं। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, मेन हेडिंग आप डालेंगे नाइट्रोजीनियस बेस। हेडिंग क्या डालेंगे, नाइट्रोजीनियस बेस आप डालेंगे। और नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बात समझ आ रही है? दो प्रकार के आपके नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे आप, नाइट्रो नाइट्रो जीनस बेस, बेस यानी कि क्षार, एन युक्त क्षार। और ये एन युक्त क्षार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो आपके दो प्रकार के होते हैं। बात समझ आ रही है? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, प्यूरिन, इसको प्यूरिन ही लिखा जाता है, इसको प्यूरिन ही लिखते हैं, प्यूरिन। और एक होता है आपका पिरिमिडिन, एक क्या होता है, एक होता है पिरिमिडिन, पिरिमिडिन, पिरिमिडिन। दो प्रकार के नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं ये नाइट्रोजीनियस बेस। एन युक्त क्षार कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये प्यूरिन होता है आपका दो प्रकार का, दो प्रकार का कौन सा है, एक आपका है एडेनिन, एडेनिन, और एक होता है आपका गुआनिन। क्या होता है, गुआनिन, गुआनिन, इसको हिंदी में लिख लीजिए, इसको लिखा जाता है एडेनिन, इसको लिखा जाता है गुआनिन, गुआनिन। और आपके जो पिरिमिडीन, जो एन युक्त क्षार हैं, वो आपके होते हैं तीन, तीन होते हैं। एक होता है साइटोसिन, 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 एक होता है आपका थाइमिन, एक होता है आपका थाइमिन, और एक होता है आपका यूरेसिल, यूरेसिल, यूरा। ये तीन आपके पिरिमिडिन होते हैं। बात समझ में आ गई? नाइट्रोजीनस बेस आपका एन युक्त क्षार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन आपका दो प्रकार का होता है, एडेनिन ग्वानिन, और आपका साइटोस, और जो पिरिमिडिन है वो तीन प्रकार का होता है, साइटोसिन थायमिन और यूरासिल। और इन्हीं के आधार पर इनके बॉन्डिंग होती है, कनेक्शन होता है, नाइट्रोजीनस बेस आपस में कनेक्ट होते हैं और डीएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीएनए में किस तरीके का करैक्टर है और आरएनए में किस तरीके का करैक्टर है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन हो गया, और
और पिरिमिडिन क्या हो गया, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये आपके 5 नाइट्रोजीनस बेस हो गए, ठीक है ना। तो अब आइए डीएनए में देखते हैं कि इनका कनेक्शन किस किस तरीके से होता है, इनका कनेक्शन किस किस तरीके से होता है ये देखते हैं। तो ये तो आपके नाइट्रोजीनस बेस दो प्रकार के हो गए, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन हो गया दो प्रकार का, पिरिन हो गया दो प्रकार का, एडिनिन और ग्वानिन, और ये तीन प्रकार का होगा पिरिमिडिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। तो आइए डीएनए के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो इसमें देखो कैसे कनेक्शन होता है, और ध्यान से देखिएगा इस चीज को, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अक्सर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, चाहे आपका एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किसका नाइट्रोजन बेस किससे कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट नहीं होता है, ये आपको जानना है, ठीक है ना। और बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। ये आपका हो गया डीएनए, ठीक है ना। डीएनए तो यहां पर ए का कनेक्शन होता है टी से, और सी का जो डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है इसका कनेक्शन होता है जी से। ए का डबल बॉन्ड टी, सी का ट्रिपल बॉन्ड जी, इसी तरीके से फिर ए का डबल बॉन्ड टी और सी का ट्रिपल बॉन्ड जी, ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, और इस तरीके से आपका ये होता चला जाता है, ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ऐसे करके। और ये सभी के सब क्या है, ये सभी के सभी, ये हो गया एडेनिन, इसको आप लिख लीजिए चाहे, ये हो गया आपका थायमिन, थायमिन हो गया थायमिन, ये हो गया ग्वानिन, क्या हो गया, ये आपका हो गया ग्वानिन, ग्वानिन, और ये क्या हो गया, ये हो गया एडेसिन, एडेसिन हो गया, और ये हो गया साइटोसिन, साइटो। तो आपके डीएनए के अंदर ध्यान रखना ए और टी के बीच में कैसा डबल बॉन्ड है आपका, ये ए और टी के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। सी और जी के बीच में कैसा बॉन्ड है, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं इस चीज को लिख देता हूं, ए का टी के साथ ये कैसा बॉन्ड है, ये आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, बॉन्ड है। अगर मैं बात करूं सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये कैसा है, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर ए और टी के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। सी और जी के बीच में कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर है ये। और अगर मैं आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करूं, आरएनए का स्ट्रक्चर देख लीजिए तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। आरएनए का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, आरएनए का स्ट्रक्चर ये आप जानते ही हैं, ये सिंगल हेलिक्स है, और सिंगल हेलिक्स में एक डिफरेंस है आपका, बस क्या डिफरेंस है, ए का डबल बॉन्ड यू के साथ, सी ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ, ए डबल बॉन्ड यू के साथ, सी ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ, बात समझ आ गई। यहां पर तो थायमिन ए के साथ कनेक्ट है, लेकिन यहां पर थायमिन जो है वो यूरासिल किससे कनेक्ट है, एडेनिन के साथ कनेक्ट है। ये आपका हो गया यूरासिल, और ये हो गया आपका ग्वानिन, ये हो गया आपका एडेनिन, एडेनिन, और ये हो गया साइटोसिन, साइटोसिन, बात समझ आ रही है। और यहां पर ए और यू के बीच में कैसा बॉन्ड है, ए और यू के बीच में ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और सी और जी के साथ में ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, बात समझ आ रही है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में रखना है चीजें, ध्यान रखिएगा। आपका ये सब कितने हैं, ये कौन है, नाइट्रोजीनियस बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस है। तो डीएनए के अंदर ए एडेनिन का डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपका थायमिन के साथ कनेक्शन होता है, सी साइटोसिन का ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन का कनेक्शन होता है, इसी तरीके से ये पूरी चीजें चली आती है।
और इसी तरीके से आपका आरएनए में वहां पर ए का टी के साथ का टी के साथ था, लेकिन यहाँ पर ए का एडेनिन का यूरेसिल के साथ है। बात समझ आ गई? आपका एडेनिन और ग्वानिन डीएनए के अंदर प्यूरिन कौन से पाए जाते हैं? एडेनिन ग्वानिन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रिमिडिन की अगर बात करोगे तो प्रिमिडिन के तौर पर यहाँ पर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? यहाँ पर पाया जाता है थायमिन, थायमिन और साइटोसिन। ध्यान रखना डीएनए के अंदर कौन से दो प्रिमिडिन पाए जाते हैं? आपका थायमिन और साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन। बात समझ आ रही है? ये आपके प्रिमिडिन नाइट्रोजिनियस बेस है, और यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों में पाए जाएंगे, ए और जी, ए और जी यहाँ भी पाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए के अंदर सेम नाइट्रोजीनियस बेस कौन कौन से हैं। यहां पर डीएनए, डीएनए और आरएनए के बीच में जो सेम सेम है, सेम नाइट्रोजीनियस बेस, सेम नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस कौन से हैं? सेम जो सेम है आपके कौन कौन से हैं? ए सी जी, यहां पर ए सी जी। तो तीन सेम आपके हाइड्रोजीनियस बेस हैं, ध्यान रखना कौन सा, ए सी और जी। ये क्वेश्चन आपका निकल के आता है, यानी कि डीएनए और आरएनए के, डीएनए और आरएनए में कॉमन नाइट्रोजीनियस बेस कौन कौन से हैं? एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक है, और डिफरेंस कौन सी है आरएनए के अंदर? अगर आरएनए के में डीएनए के में बात करूं तो डीएनए के अंदर डिफरेंट कौन सा है, अलग कौन सा है? यहां पर टी है थाइमिन। डीएनए में अलग कौन सा है? थाइमिन है, थाइमिन है। डीएनए के अंदर अलग कौन सा है? थाइमिन है। और आरएनए के अंदर अलग कौन सा है? आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर अलग है साहब आपका क्या है? आरएनए के अंदर अलग है आपका यूरासिल, यूरासिल। बस आपका ये स्ट्रक्चर आपका हुआ। बात समझ आ रही है? तो दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए कि साहब ये डीएनए है, डीएनए के अंदर ये डबल हेलिक्स है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन ए का टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि एडेनिन का थायमिन के साथ और साइटोसिन का ग्वानिन के साथ। तो डीएनए की स्ट्रक्चर है ये, और यदि ये आरएनए में आएगा तो एडेनिन का यूरासिल के साथ आएगा। बात समझ आ रही है? ए का किसके साथ आएगा? यूरासिल के साथ आएगा, यूरासिल के साथ आएगा। ये आपका यूरासिल ई नहीं है इसमें, थोड़ा सा देख लीजिएगा, साइटोसिन यूरासिल, ये इसमें ये बस हो गया, समझ में आ गया। तो डीएनए और आरएनए में सेम क्या है? सेम ए सी जी है, ए एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन, यहां पर ए एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन, ठीक है ना? तो यहां पर ए सी जी, और डीएनए में अलग क्या है? थाइमिन। आरएनए में अलग क्या है? यूरासिल। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन और देख लीजिए, डीएनए में एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है? थाइमिन। डीएनए में एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है? थाइमिन जुड़ता है, और आरएनए में एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है? यूरासिल। तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। अब देखिए इसमें कुछ आपका न्यूमेरिकल टाइप की चीजें रहती हैं, वो चीज मैं और आपको बता दूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसको, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं, देख लीजिए। देखिए यहां पर कुछ डीएनए में हम थोड़ा सा कुछ और अलग चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो डीएनए में क्या पढ़ेंगे? डीएनए में एक चीज हमको देखनी है, और वो एक चीज क्या है? वो है आपका डिस्टेंस की बात करेंगे हम। देखिए ये क्या है, ये दो आपके क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस है। इन दो नाइट्रोजीनियस बेस के बीच में जो डिफरेंस डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो दूरी है, वो दूरी है आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रम आपके दो बेस के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, नाइट्रोजीनियस बेस के बीच का डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं, इसके एक हेलिक्स की, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये एक हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस है आपकी 34 एंगस्ट्रम। ध्यान दीजिएगा 34 एंगस्ट्रम। और लेकिन इसके डायमीटर की बात करूं, ये आपका डायमीटर हो गया, तो इस डायमीटर की अगर मैं बात करूं, यहां से लेकर यहां तक जो है, यहां से लेकर यहां तक का जो डायमीटर है वो कितना है? ये 20 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम, ये ध्यान रखिएगा, 20 एंगस्ट्रॉम है। दो नाइट्रोजीनियस बेस के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और एक हेलिक्स, जो एक कुंडली है, एक कुंडली की टोटल डिस्टेंस जो वो कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम है। और इसका जो डायमीटर है हेलिक्स का, इसका डायमीटर आपका है 20 एंगस्ट्रॉम। अब यहां से क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है? क्वेश्चन यहां पे ये उठता है
के साथ एक हेलिक्स के अंदर, यानी कि एक कुंडली के अंदर या एक राउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेयर में कितने नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, क्वेश्चन यहां पर ये है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच की दूरी सब 3.4 है, टोटल राउंड की जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रम है। तो ऐसी स्थिति में साहब टोटल टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस कितने होंगे ये निकालना है हमें। नाइट्रोजीनियस बेस आपका कितना होगा ये निकालना है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना होगा। तो ये बहुत सिंपल सा है, बहुत सा आसान है। तो ये 34 टोटल एंगस्ट्रम ये हो गया और नीचे 3.4 एंगस्ट्रम, तो पॉइंट हट जाएगा, जीरो लग जाएगी। टोटल 10 पेयर्स नाइट्रोजीनियस बेस आ जाएंगे। टोटल पेयर्स कितना आ गया, 10 आ गए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेयर है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। ध्यान रखना ऐसे ही शुरू करना है, खत्म किस पे होगा, सी पे, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर कितने हैं नाइट्रोजीनियस के, आपका कितना निकल के आया, 10 पेयर्स निकल के आए। बात समझ में रही है, 10 पेयर्स आपके निकल के आए हैं, ठीक है ना। ए से शुरू करना है, यहां भी ए से शुरू करना है। तो यहां पर आपका टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना नाइट्रोजन बेस निकल के आया, 34 एंगस्ट्रम डिवाइड बाई 3.4 एंगस्ट्रम, दैट इज मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस इज 10, 10 पेयर्स। तो 10 पेयर्स आपका यहां पे निकल के आएगा। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि टोटल आपके नंबर ऑफ ये किस तरीके से निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, ये चीज आपकी हो गई है। अब आगे देखते हैं कि आगे इसका कौन कौन सा पॉइंट रहने वाला है हम लोगों का, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया डीएनए और आरएनए, और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि आपका आपका क्रोमेटिन और मैंने आपको बताया था, और यहां से एक कदम और आगे हम बढ़ते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जाने वाला है, ये पूरी क्लास ही इंपोर्टेंट है ये वाली क्लास, लेकिन बाकी सारी क्लास भी इंपोर्टेंट है, लेकिन डीएनए और आरएनए क्रोमोसोम्स इन सब की चीजों के बारे में ये बहुत इंपोर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। आगे भी आपका जेनेटिक्स जब चलेगा उसमें भी सारी चीजें आएंगी, लेकिन जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही आपके डीएनए और आरएनए हैं, ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये बताना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए देखिए एक तो होता है, मैं चार चीजें बताऊंगा आपको, और चारों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सब क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए क्या है, आपका जीन क्या है, इनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। यहां पर मैं एक डिफरेंस आपको बता के चल रहा हूं और आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए एक मैंने आपको बताया था क्रोमेटिन, क्रोमेटिन ठीक है, और एक मैंने आपको बताया डीएनए एंड आरएनए, ये भी मैंने आपको बताया, और एक मैंने आपको बताया था क्या, एक मैंने आपको बताया था, आगे मैं आपको बताऊंगा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों के बारे में बताऊंगा, और एक मैं आपको बताऊंगा जीन, जीन। तो इन चारों में हम लोग डिफरेंट कर लें, तो डिफरेंस आप जब कर लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत तेरा वक्त पड़ा है, लेकिन चीजों को यहाँ देख जरूर लीजिए पहले आप, ठीक है ना। क्रोमेटिन साहब क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है आपके साथ, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये धागे नुमा संरचना है, धागे नुमा संरचना है। ये सब प्रेजेंट कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, और यही धागे नुमा संरचना आगे चल के क्या बनाती है, डीएनए और आरएनए बनाती है। यही धागे नुमा संरचना क्या बनाती है, डीएनए और आरएनए बनाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बनाती है, डीएनए और आरएनए बनाती है। और मैंने आपको बताया डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि साहब डीएनए और आरएनए जो हैं वो तीन चीजों से मिलकर बने हैं। इसको ऐसे नहीं करते, इसका हम हायर के लेते हैं इस तरीके से, क्या चीजें होती हैं, तीन चीजों से मिलकर ये बना होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्या, सबसे पहला शुगर, शुगर से बना होता है। एक क्या बना होता है, फॉस्फेटिक एसिड से, फॉस्फेटिक एसिड से बना होता है, फॉस्फेटिक अम्ल से बना होता है। और क्या बना होता है, और एक चीज और है, नाइट्रोजीनस बेस से बना होता है, नाइट्रोजीनस बेस यानी कि एन युक्त क्षार से ये बना होता है। बात समझ आ रही है, एन युक्त क्षार से ये बना होता है। बस एक सेकंड में आपके लूंगा, बस एक सेकंड दे दीजिए। तो
देखिए, तो ये मैंने आपको क्या बताया, एक मैंने आपको बताया कि ये शुगर से, फॉस्फेटिक एसिड से और नाइट्रोजिनस बेस से ये बना होता है। अब बात आती है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? देखिए, डीएनए है, इसको मैं बता रहा हूं क्रोमोसोम्स को, आपका डीएनए है, डीएनए, डीएनए, जब डीएनए के ऊपर जब हिस्टोप्रोटीन आ जाती है, हिस्टोन प्रोटीन, और ध्यान रखिएगा मेरी बात को, मैंने आपको बताया था कि हिस्टोप्रोटीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में, मैं आपको बता रहा था कि आरएनए और डीएनए के बीच में मैंने डिफरेंस आपको बता रहा था कि साहब डीएनए के ऊपर हिस्टोप्रोटीन नहीं होता है, सॉरी, आरएनए के ऊपर हिस्टोप्रोटीन नहीं पाया जाता, डीएनए के ऊपर हिस्टोप्रोटीन पाया जाता है। जैसे ही डीएनए के ऊपर हिस्टोप्रोटीन लग जाता है, डीएनए के ऊपर हिस्टोप्रोटीन लग जाता है, तो यही आपका कहलाता है क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहलाता है, यानी कि गुणसूत्र कहलाते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है। और जीन क्या होता है? जीन होता है आपका सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या होता है ये? सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि ये डीएनए का खंड होता है, टुकड़ा होता है। डीएनए का क्या ये? खंड है, खंड है। बात समझ आ रही है? जीन क्या है? ये आपका सेगमेंट ऑफ डीएनए है। क्या है ये? सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ध्यान रखना मेरी बात को, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। और इस खंड, इसके ऊपर जो आपका ये क्रोमोसोम्स हो गया या डीएनए हो गया, इसके ऊपर इस टुकड़े को काट दीजिए, और इसके ऊपर क्या होती है? छोटी 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 बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? ये खंड है इसका, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये खंड है, ठीक है ना। और ये जो बीड है, ये क्या है? ये आपकी बीड लाइक स्ट्रक्चर है, बीड लाइक स्ट्रक्चर है। बीड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हैं? यानी कि ये मोती नुमा आकृति है, मोती नुमा आकृति है, छोटी सी मोती, बहुत हल्की सी नाक, बहुत छोटा सा पॉइंट। ये क्या है? एक तरीके से बोला जाएगा सेगमेंट ऑफ डीएनए है, डीएनए का ये खंड है जीन, और ये बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये मोती नुमा आकृति होती है। तो ध्यान रखना इस बात को मेरे को, ये क्रोमेटिन क्या होता है, आपका डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, और जीन क्या होता है। इन चारों में ये अलग अलग मेजर डिफरेंस है, जो बहुत अक्सर आपको परेशान कर देते हैं कि साहब ये क्रोमेटिन कहाँ से आ गया, डीएनए कहाँ। ये ध्यान रखना, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से डीएनए निकल रहा है, डीएनए के ऊपर जैसे ही हिस्टोप्रोटीन आ जाएगा तो क्रोमोसोम्स कहलाएगा, और डीएनए का एक छोटा सा आप खंड निकाल देंगे, सेगमेंट निकाल देंगे, तो आपका जीन कहलाएगा, और उसके ऊपर एक बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, पॉइंट लगा रहता है, और वही पॉइंट आपका क्या है? आपका ये जीन है। और जीन की स्टडी कहाँ की जाती है? जेनेटिक्स में की जाती है जीन की स्टडी। ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी, कहाँ स्टडी की जाती है, किसने खोज की, ये सारी चीजें। तो क्रोमेटिन में आपको बता चुका हूँ पूरा, डीएनए में आपको बता चुका हूँ पूरा, शुगर क्या हो गया, फॉस्फेटिक एसिड, और आपका नाइट्रोजिनस बेस में पूरा आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स की ये डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में आपको डिस्क्राइब करूंगा, और वहां पर हम आपको जो रिपेयरिंग बताएंगे डीएनए की, किस तरीके से आपका जीन में चेंजेस किया जाता है, किसी के मान लीजिए बाल झड़ रहे हैं, या किसी को जेनेटिक बीमारी कोई है, उस जेनेटिक बीमारी को जब हम ठीक करने की बात करते हैं, तो वही आपका जीन की रिपेयरिंग की जाती है। उस जीन को तलाशा जाता है, हजारों करोड़ों की संख्या में ये जीन होते हैं, और उस जीन को तलाशा जाता है कि किस जीन की वजह से जेनेटिक बीमारी ये लगातार बढ़ती आ रही है, तो उसी जीन की हम रिपेयरिंग करते हैं, और पूरा आपका जेनेटिक्स में चलेगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज आपकी समझ में आ गई। आगे हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए, कुछ नहीं है, बायोलॉजी बस एक समझ का फेर है, और इससे इजी सब्जेक्ट आपकी किसी भी हिंदुस्तान में नहीं, सबसे साधारण विषय है। चलिए चलिए, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, अब क्या? क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, इसको हिंदी में साफ बोला जाता है गुणसूत्र। क्या बोला जाता है? गुणसूत्र इसको बोला जाता है, गुणसूत्र। अब बात आती है सबसे पहला पॉइंट कि साहब इन क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में, डिस्कवरी के बारे में, यानी कि खोज के बारे में, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज साहब दो लोगों ने की है, एक पुरकिंजे साहब है और एक फ्लेमिंग साहब है। पुरकिंजे और फ्लेमिंग, फ्लेमिंग साहब, ये दो लोग हैं, पुरकिंजे और फ्लेमिंग।
इन दोनों ने ही सबसे पहले क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था। और इस क्रोमोसोम्स के बारे में ये क्या बता रहे हैं कि साहब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों अपनी बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं क्या, ये दोनों ही इस बात को कह रहे हैं, और ये दोनों क्या बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम्स इज जस्ट लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, यानी कि धागे नुमा संरचना है, धागे नुमा संरचना है, धागे नुमा संरचना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे नुमा संरचना। ये प्रोकिंजिया और फ्लेमिंग साहब कह रहे हैं, ठीक है ना। अब बात आती है क्या कि ये टर्म किसने दिया, ये जो टर्म है, जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया, इस शब्द को रचने वाले अलग व्यक्ति हैं। क्रोमोसोम शब्द देने वाले कौन व्यक्ति हैं, ये अलग व्यक्ति हैं, और इस व्यक्ति का नाम है वॉल्डेयर, वॉल्डेयर साहब, वॉल्डेयर। इस शब्द को देने वाले कौन है, वॉल्डेयर साहब। अब एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और क्या आता है, ये क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं। जब डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जब ये मिल जाते हैं आपस में, तो आपका किसका निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बनता कैसे है, डीएनए के ऊपर जब हिस्टो प्रोटीन आ जाता है तो आपका ये क्रोमोसोम्स कहलाता है। बात समझ आ गई, क्रोमोसोम्स कहलाता है, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, एक पॉइंट और ले लीजिए, इसके नीचे ले लीजिएगा, मैं इधर ले रहा हूं, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। टर्म किसने दिया है, वॉल्डर साहब ने दिया है। डिस्कवरी कौन कर रहा है, पुरकिंजी और फ्लेमिंग साहब कर रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये धागेनुमा संरचना है, और ये बनता कैसे है, डीएनए के ऊपर जब हिस्टो प्रोटीन आ जाता है तभी आपका क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, हमेशा प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में, ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, किसमें होते हैं, पेयर्स में होते हैं, हमेशा ये जोड़े में रहते हैं। कैसे, वन टू थ्री, ये हमेशा आपको पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, ये पेयर्स में रहते हैं हमेशा, अलग अलग नहीं रहते ये, ठीक है ना, हमेशा किस में रहते हैं, ये पेयर्स में है, सब सब के सब ये पेयर्स में, ये पेयर्स में रहते हैं। एक पॉइंट आपका ये रहेगा, ठीक है ना, ये आपका ये हमेशा पेयर्स में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं ये सब, ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, पेयर 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 और पेयर, ठीक है ना। और बात आती है ये क्रोमोसोम्स कब विजिबल होता है, कब विजिबल होता है, एट द पीरियड ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय ये विजिबल होता है। कोशिका जब कोशिका खुद को डिवाइड करती है तो तब तब ये सेल डिवीजन के पीरियड में क्या होता है, सेल डिवीजन के पीरियड में ये विजिबल होता है, यानी कि दिखाई देता है। और एक चीज और मैंने बताई थी, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन भी क्या है, सेल डिवीजन, वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, आगे चल के डीएनए बनना है, सब आपके बनना है, बस जैसे हिस्टो प्रोटीन आ गया क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और क्रोमोसोम्स का एक छोटा सा, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा वो आपका जीन कहलाएगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई, ये सेल डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम्स आपके विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है ना, कुछ वक्त के लिए सेल डिवीजन के पीरियड में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं क्या, अब हम डिस्कस करेंगे कि साहब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर्स होते हैं, बात समझ में आ रही है, कितने पेयर्स होते हैं। चलिए अब क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसको मैं हटा देता हूं, बस ध्यान से लीजिएगा क्लास, यहां से आज आपको बहुत सारा मैटर निकलने वाला है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, या 46 क्रोमोसोम्स,
क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। कितना पेयर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? आपका 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम्स होता है, ध्यान रखना। और इन 23 पेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टू पार्ट्स में, टू कैटेगरी में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक आपका हो गया ऑटोसोम, ऑटोसोम, ऑटोसोम हो गया, और एक हो गया आपका एलोसोम। एलोसोम बहुत ध्यान से देखना है आपको, ऑटोसोम 23 पेयर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है, ऑटोसोम और एरोसोम, ठीक है। ऑटोसोम एरोसोम, ये क्या होते हैं ऑटोसोम? ये चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, इसमें ऑटोसोम्स नंबर ऑफ पेयर्स हर एक में समान होते हैं। बात समझ आ रही है? ये ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो एक मेल और फीमेल के अंदर सेम होते हैं, यानी कि ये मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल, फीमेल के अंदर क्या होते हैं? ये सेम होते हैं, समान होते हैं। और ये टोटल पेयर्स में कितने होते हैं? ये 22 पेयर्स हैं। 22 पेयर ऐसे होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या सेम होती है, इक्वल होते हैं, 22 पेयर होते हैं, ठीक है। ये है आपका एलोसोम, ये एलोसोम आपका पेयर्स में कितना होगा? 22 पेयर तो वहां चले गए ऑटोसोम में, एक पेयर आपका यहाँ गया, यानी कि ये जो वन पेयर है, यही वन पेयर आपका मेल और फीमेल में ये डिफरेंट होते हैं। मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है? ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। बात समझ आ रही है? मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है? ये डिफरेंट होता है। और ये मेल के अंदर कौन से होते हैं? ये मेल के अंदर कौन सा होता है? मेल के अंदर होता है एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर कौन सा होता है? फीमेल के अंदर होता है ये एक्स 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 कॉमा एक्स, ठीक है। तो मेल के अंदर एक्स वाई हो गया, फीमेल के अंदर एक्स एक्स हो गया साहब, ठीक है। और यहीं से आपका बेबी मेल होगा, आपका बेबी बॉय होगा या गर्ल्स होगा, इस पर डिपेंड करेगा। किस पर? एलोसोम पर, क्योंकि ऑटोसोम तो सब बराबर है, सेम। महिला के अंदर भी वही 22 पेयर क्रोमोसोम्स हैं और पुरुष के अंदर भी वही आपके 22 पेयर्स सेम है, लेकिन एलोसोम ये डिसाइड करता है, एलोसोम डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा पुरुष और महिला के आलिंगन से, पुरुष और महिला के आपस में मिलने से, कांटेक्ट में आने से, फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद, ये एलोसोम डिसाइड करता है कि कोई भी बेबी जो होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। अब देखो लड़का और लड़की कैसे होगा, ये देख जान लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, इसको जान लीजिए आप। देखिए क्रोमोसोम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था हम लोगों ने, क्रोमोसोम्स को पार्ट में डिवाइड किया था, एक ऑटोसोम, ऑटोसोम में, और एक डिवाइड किया था हमने एलोसोम में। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोसोम कितने होते हैं? ये मेल के अंदर भी सेम होते हैं, मेल एंड फीमेल, फीमेल दोनों के अंदर 22 पेयर्स होते हैं, पेयर्स हो गए। और यहां पर थोड़ा सा अंतर है, मेल के अंदर जो मेल है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपका क्या निकल के आएगा, मेल के अंदर ये एक्स कॉमा वाई, और फीमेल के अंदर आता है आपका एक्स कॉमा एक्स, ठीक है। अब देखिए कैसे, जब फिजिकल होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये 22 पेयर तो आपके आएंगे ही आएंगे बच्चे में, ये तो पेयर्स आएंगे ही आएंगे, प्लस मां से या तो एक्स आएगा, दोनों सेम है, एक्स एक्स कोई भी एक्स आ सकता है, और यदि फादर में से भी ये एक्स आ गया, फादर का एक्स और मां का एक्स ये दोनों आ गए, तो इसका मतलब है एक्स कॉमा एक्स, ये आपका टोटल क्या हो गया, 23 पेयर्स हो गए। और 23 पेयर्स का मतलब यहां निकल के आया कि ये जो बच्चा होगा वो बच्चा कैसा होगा, ये बच्चा होगा गर्ल पैदा होगी, लड़की पैदा होगी, ठीक है। यदि मां से एक्स आया और फादर से भी एक्स आया तो ऐसी स्थिति में साहब आपका क्या होगा, ऐसी स्थिति में बच्चा जो होगा वो गर्ल पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। अब बात करते हैं लड़की के ऊपर, तो ये 22 पेयर्स तो रहेगा, प्लस मां से एक्स आ गया और फादर से बाई आ गया, ठीक है। फादर से क्या आया, बाई आया,
तो ये एक्स कॉमा वाई, एक मैंने बताया था ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर होंगे, बेबी जो हो रहा है उस बेबी के अंदर भी 23 पेयर होंगे, 22 पेयर्स आपके ऑटोसोम होंगे, अगर लड़की है तो एलोसोम के रूप में एक्स कॉमा वाई आ गया, ऑटोसोम्स 22 पेयर होंगे, यदि लड़का है ये तो ये एक्स कॉमा वाई एलोसोम आएगा। यहाँ पर इस स्थिति में लड़का लड़का पैदा होगा, आपका क्या होगा, लड़का जन्म लेगा। बात समझ में आ गई, लड़का जन्म लेगा। अब देखिए ध्यान से देखिए मेरी बात को, यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या है, मेल के अंदर एक्स और वाई है, फीमेल के अंदर एक्स और एक्स है। अभी बताइए फीमेल के अंदर तो एक्स और एक्स दो है, तो लड़का हो या लड़की ये किसके एलोसोम डिसाइड कर रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं फादर के एलोसोम। बात समझ आ रही है, फादर के एलोसोम डिसाइड कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि देहात में जो मतलब जो लोग जानते नहीं है इस चीज के बारे में, और यदि किसी भी घर में एक एक बहू लगातार बेटी पैदा करती जा रही है, बेटी का जन्म होता जा रहा है, तो उस परिवार में क्या बोला जाता है, उस परिवार में बोला जाता है कि साहब ये हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है, इसने हमारे लिए मतलब हमारे वंश को चलाने के लिए इसने लड़का पैदा नहीं किया, और उस पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और उसको उल्टा सीधा बोला जाता है। तो लेकिन गलती तो भाई साहब आपके लड़के की है, उस लड़के की गलती है, ये एक्स और वाई, ये जेंडर डिटरमिनर कौन कर रहा है, ये जो मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं, मेल का जो एलोसोम है, यही जेंडर डिटरमाइनर का काम कर रहा है, जेंडर डिटरमाइनर। बात समझ आ रहा है, जेंडर डिटरमाइनर, डिटरमाइनर का काम कर रहा है। बात समझ आ रही है, कौन डिसाइड कर रहा है, यहां पर फादर के क्रोमोसोम से डिसाइड कर रहा है। तो भाई साहब इसमें औरत की तो कोई गलती है ही नहीं, कि लड़की लगातार होती जा रही है, तो आप उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, क्यों, क्योंकि लड़का हो गया लड़की इस चीज के डिसाइड जो करते हैं वो आपके फादर के करते हैं, फादर के ऊपर पूरी निर्भरता रहती है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, उस पर महिला का उसकी उस पर बहू का कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी दोष नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए, अगर कोई भी बहन बेटी का अगर क्या बोलते हैं लगातार अगर बेटी ही हो रही है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, दोष न फादर का है, बस उनकी इन प्रॉपर्टी का है कि आपका जो मेल और फीमेल, मैं आपको जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, प्रजनन प्रजनन तंत्र जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं कि आपका लड़की लगातार होती है, कौन सी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि लड़का होते हैं, लेकिन इस पर महिलाओं का किसी भी तरीके से दोष नहीं है। तो कृपया करके आप लोग, आप किसी भी बहन बेटी के साथ में या बहू के साथ में उसके ऊपर अत्याचार करने से बचें, ठीक है ना। तो आगे अब हम आगे डिसाइड करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जो एलोसोम है फादर के, जो एलोसोम है वही जेंडर डिटरमाइन, वही डिसाइड कर रहे हैं कि लड़का हो या लड़की हो, ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक और प्रॉब्लम है, क्या यहां पर एक स्थिति निकल के आती है, क्या स्थिति निकल के आती है कि साहब ये तो लड़का हो गया लड़की हो गई, अब जो तीसरा जेंडर है जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, तो साहब ये कहां से हो जाता है, ये ऐसी कौन सी स्थिति है, तो वो भी आप जान लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, एक सिंड्रोम है, एक बीमारी है साहब, ये बात समझ आ रही है, ये जो जो ट्रांसजेंडर जिसको हम देहाती भाषा में या नॉर्मल भाषा में हम किन्नर के नाम से जानते हैं, किन्नर किन्नर कह के उनको संबोधित करते हैं, तो वो जान लीजिए किन्नर किन्नर कह के हम संबोधित करते हैं ट्रांसजेंडर, ठीक है ना, आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है साहब, ट्रांसजेंडर या इसको हम किन्नर बोलते हैं, ये बीमारी है, ये बीमारी है ट्रांसजेंडर, बात समझ आ रही है, ये एक बीमारी है, एक सिंड्रोम है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको हिंदी में भी वही लिखेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है साहब ये। ट्रांसजेंडर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किन्नर नॉर्मली भाषा में, लेकिन सर ये किन्नर ये बीमारी है, और ये बीमारी कैसे हो रही है ये भी आप जान लीजिएगा, इसको बोला जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सर जी क्लाइनफेल्टर ट्रांसजेंडर ये एक बीमारी है, और इस बीमारी का या एक सिंड्रोम है, और ये सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। अब इस चीज को आप जान लीजिए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आखिरकार क्या है, ये कब पैदा होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जो किन्नर जो बच्चा जन्म ले रहा है, जिसका जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो डेवलप्ड नहीं है, तो
वो उस स्थिति में इसको किन्नर बोला जाता है। ये बीमारी है, ध्यान दीजिएगा, ये कैसे पैदा होती है, कब पैदा होती है बीमारी, कब ये बीमारी बनती है? ये बनती है जब, मैं सीधे सीधे लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जब मेल के एलोसोम क्या है, क्रोमोसोम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक आपका ऑटोसोम, सब में बराबर है, या तो पुरुष हो या महिला हो, उसमें तो ऑटोसोम बराबर है। एलोसोम, मेल के एलोसोम कौन से वाले, एक्स कोमा वाई। जब एलोसोम में प्रॉब्लम आ जाती है, में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तब ये पैदा होते हैं। बताइए, ट्रांसजेंडर है, किसी भी मां ने एक ट्रांसजेंडर को पैदा किया और उस औरत के ऊपर लांछन लगाया जाता है कि तूने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, तब इस स्थिति में भी सारी की सारी जो गलती है वो पुरुष वर्ग की तरफ से आ रही है, मेल के एलोसोम की वजह से आ रही है। ठीक है, मेल के एलोसोम की वजह से, जब मेल के एलोसोम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसी स्थिति में साहब किन्नर पैदा होता है। बात समझ आ रही है? ऐसी स्थिति में किन्नर पैदा होता है, वहां इस स्थिति में भी महिला की कोई भी गलती नहीं होती है। ये बात आपको जाननी चाहिए और इस चीज से अवेयर रहना चाहिए। तो जो मेल के जो एलोसोम है एक्स और वाई, जब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इन दैट केस आपका जो ट्रांसजेंडर जो बच्चा पैदा हो रहा है और यहाँ पर एक सिंड्रोम उत्पन्न होता है, उस सिंड्रोम को, उस बीमारी को बोला जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या होता है इसमें, क्या होता है, ध्यान से देखिए क्या होता है। आपके 22 पेयर्स तो आपके इक्वली आ गए, ये तो सेम आ गए, प्लस यहां एक्स कॉमा वाई आना था, एक आना था, एक्स और वाई एक आना था, लेकिन यहां पर दोनों आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर या तो एक्स आना चाहिए था, लड़का और लड़की की स्थिति में तो एक्स आना चाहिए था या वाई आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ऐसी स्थिति में सभी दोनों क्रोमोसोम्स उठ के चले आ गए, दोनों एलोसोम, दोनों में से किसी एक को आना था लेकिन दोनों उठ के चले आ गए, दोनों आ गए, और मां का तो आएगा ही आएगा, प्लस एक्स, मां के अंदर जो एलोसोम है वो एक्स और एक्स है और मां का आ गया, ये क्या है, ये मदर का एक्स्ट्रा आ गया, ये मदर का क्या है, मदर का ये एलोसोम है, मदर का ये एलोसोम है। तो सर जी, पेयर तो आपका 23 रहना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो 22 पेयर ये, एक पेयर ये, 23 पेयर, और यानी कि 23 का डबल क्या हो गया, 46 क्रोमोसोम्स, और यहां पर तो एक एक्स्ट्रा आ गया, यहां पर ये एक्स्ट्रा आ गया है। इस स्थिति में ये जो स्थिति निकल के आ रही है, ये इस स्थिति में ये टोटल 47 क्रोमोसोम्स है। टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 47 गुणसूत्र हैं, और ये टोटल 47 जो क्रोमोसोम्स हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जब जब पेयर नहीं बनेगा बच्चे के अंदर, टोटल 23 पेयर रहना चाहिए, जब जब पेयर नहीं बनेगा, पेयर में वेरिएशन क्रिएट होगा, तो ऐसी स्थिति में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, बेबी जो पैदा होगा वो किन्नर पैदा होगा। यहां पर क्या हो रहा है, एक्स और वाई दोनों एक साथ आ गए, लड़का था लेकिन मां का आना ही आना था, इस स्थिति में उस लड़के के अंदर किसके करेक्टर आ जाएंगे, उस लड़के के अंदर लड़की के करेक्टर आ जाएंगे, उसका रहन सहन, बात करने का तरीका, लहजा, उसका बोलचाल, सारी चीजें। और हम उसको क्या करते हैं, ऐसे बच्चे को जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उसके बचपन से उसके साथ था, और हम क्या करते हैं, सोसाइटी में उसको नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और उसको अलग अलग तरीके से उसको संबोधित करते हैं, बोलते हैं, अलग अलग तरीके से नाम देते हैं, लेकिन ये समाज का हिस्सा है, वो कोई गलती नहीं है। वो जो गलती है आपकी, ये सिर्फ एट द पीरियड ऑफ जब कॉन्टेक्ट हो रहा है मेल और फीमेल के अंदर, तो पुरुष के जो आपके एलोसोम हैं एक्स और वाई दोनों एक साथ चले आ गए, और साथ ही साथ आपका जो माँ का है वो एक्स तो आएगा ही आएगा दोनों में से एक, तो ऐसी स्थिति में एक लड़के के अंदर एक लड़की का करेक्टर एंटर कर जाता है, और ये जो पेयर है ये पेयर नहीं बन पाता है, और इस स्थिति में एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से बच्चा ग्रसित होता है। तो यही कारण है उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, ना तो वो मेल की कैटेगरी में रहता है, ना ही वो फीमेल की कैटेगरी में रहता है, ड्यू टू क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मैं बार बार इस पर प्रेशर क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि इसमें भी गलती महिला की नहीं होती है, इसमें जो गलती होती है ना पुरुष की गलती होती है, लेकिन हाँ पुरुष के एरोसोम की गड़बड़ी की वजह से बच्चा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से वो ग्रसित होता है, और बच्चा जो पैदा होता है वो प्राइवेट पार्ट अनडेवलप्ड होता है, और उस स्थिति में उसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई आपके? तो ये आपका 47 क्रोमोसोम्स हैं, ये पेयर नहीं बनाए, और जब ये पेयर नहीं बनेगा तो ऐसी स्थिति में ये अनपेयर्ड जो क्रोमोसोम्स हैं, यही आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, समझ में आ रहा है? ट्रांसजेंडर का हो रहा है जब साहब ये पेयर में नहीं है, ठीक है? ये वाली बात आप लोगों के समझ में आई। आगे हम डिस्कस करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब जब ये क्रोमोसोम्स पेयर में नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में साहब आपका जो बच्चा होगा वो ट्रांसजेंडर होगा ड्यू टू क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है? आगे अब डिस्कस करते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं, एक डिस्कस करते हैं जीन। या जीन से पहले आप ये देख लीजिए कि आपके टोटल, मैं कुछ लिखवा रहा हूं कि किसके अंदर कितना आपका क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं, कितने पेयर होते हैं, ठीक है ना? उसको आप लिख लीजिए, तो लिख लीजिए आपके हाथी में कितने होते हैं, हाथी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, कितने पेयर्स होता है, ये आपका होता है 56 पेयर्स। कितना होता है? 56। मटर में, मटर के दाने में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 7 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, 7 पेयर्स होते हैं। और क्या होता है आपका, गेहूं में 21, बिल्ली में 19। कितना गेहूं में कितना होता है? गेहूं में 21 पेयर, और बिल्ली में कितना होता है, यानी कि कैट में, बिल्ली के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं 19 पेयर्स, 19 पेयर्स। इसमें गेहूं में 21 पेयर्स होते हैं, ठीक है ना? 21 पेयर्स होता है। मच्छर में 6 और मेढक में 26। मच्छर में कितना होता है? मच्छर में 6 होते हैं, और मेढक में जो होता है वो आपका, वो कितना होता है? 26 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, 26 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो कुछ है यानी कि हमेशा ये पेयर्स में ही आपको मिलेंगे। हाथी में 56 पेयर्स होते हैं, मटर के दाने में 7 पेयर्स होते हैं, गेहूं में 21 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, बिल्ली के अंदर 19 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, मच्छर के अंदर 6 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेढक के अंदर, यानी कि जितने, और हम लोगों को यहाँ किसका पढ़ना है, हम लोगों को ह्यूमन का पढ़ना है, तो ह्यूमन का आप जानते हैं, ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं? ह्यूमन के अंदर आपका होता है 23 पेयर्स, ये आपको पता ही है, 23 पेयर्स होते हैं। तो हमको मेनली ह्यूमन पर फोकस करना है। बस मैंने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको लिखवा दिया है कि किसके अंदर कितना होता है, ठीक है? तो चलिए आगे एक हेडिंग आप डाल लीजिए, और वो हेडिंग जाएगी क्या, जीन। जीन के बारे में आप और लिख लीजिए, जीन के बारे में आप लोग देख लीजिए। बात समझ में आ रही है? जीन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हेडिंग डालेंगे आप जीन। जीन, जीन को हिंदी में भी जीन बोला जाता है। अब देखिए जीन, जीन है क्या, जीन क्या होता है, जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का ये खंड है, डीएनए का ये खंड है सर, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये क्या है आपका, इसको ऐसे मत बनाइए, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये क्रोमोसोम्स, और ये देखिए इसके ऊपर ये क्या है, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके टुकड़े को आप निकालेंगे, खंड निकालेंगे डीएनए का, और इस खंड को, और इसके ऊपर ये क्या है, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है, बीड लाइक ये स्ट्रक्चर है, यानी कि ये कैसी है, मोतीनुमा आकृति है, मोतीनुमा आकृति, बीड है, बहुत छोटा सा पॉइंट है ऐसे करके, बस ये पॉइंट है, यही पॉइंट आपका क्या है, जीन है, यही आपका क्या है, जीन है। अब बात करते हैं इस जीएनए के, जीन की डिस्कवरी किसने की थी, जीन की डिस्कवरी की थी किसने, जॉनसन साहब ने, किसने की थी, जॉनसन ने की थी, जॉनसन ने की थी, जॉनसन, ठीक है ना? किसने किया है, जॉनसन साहब ने किया है, जॉनसन साहब ने इसकी खोज की है। और जीन की डिस्कवरी, जीन की स्टडी किसमें हो रही है, जीन की स्टडी, स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ जीन, जीन को हम कहां पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, बात समझ में आ रही है? और जेनेटिक्स के फादर कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम आता है आपका मेंडल साहब का नाम आता है, किनका नाम आता है, मेंडल, मेंडल साहब का नाम आता है, बात समझ में आ रही है? तो जीन की डिस्कवरी किसने की थी, जॉनसन साहब ने की थी,
स्टडी ऑफ जीन किसमें की जाती है, कहां पर इसका अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स में किया जाता है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल साहब है। और इन्होंने मटर के ऊपर अच्छा खासा रिसर्च किया था। सबसे पहले इन्होंने मटर के जीन के बारे में डिस्क्राइब किया था, मटर के अंदर किस प्रकार का जीन होता है, क्या उसका लक्षण है। तो जी, और इन्होंने मटर के ऊपर अच्छे खासे रिसर्च की, इसीलिए इनको फादर ऑफ जीन बोला जाता है, सॉरी फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, और यहीं से जेनेटिक्स की शुरुआत होती है। बात समझ में आ रही है? यहीं से आपकी किसकी शुरुआत होती है, जेनेटिक्स की शुरुआत होती है, जिसमें हम जीन का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रही है? और जीन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। क्या है ये, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ये जेनेटिक्स की सबसे छोटी इकाई है। बात समझ आ रही है? जेनेटिक्स की क्या है, ये सबसे छोटी इकाई है, ये आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है सर। बात समझ आ रही है? ये किसकी है, जेनेटिक्स को क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी, आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है साहब ये आनुवांशिकी की, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जीन का काम क्या है, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं। जीन का काम क्या है, आखिरकार जीन का फंक्शन क्या है, यही आपका जो जेनेटिक कलेक्टर है मेनली। मैंने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, डीएनए के बारे में बताया, कि टोटल मिलाकर के हर चीज तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो मेनली जो जीन है यही वो जीन है जो आपके जेनेटिक करेक्टर को लेके जाती है। इसका काम क्या है, ये जेनेटिक करेक्टर, जेनेटिक जीन, जेनेटिक से जेनेटिक निकल गया, आनुवांशिक जेनेटिक करेक्टर को, यही मेन वो चीज है जो जेनेटिक करेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का काम करता है, ये जेनेटिक करेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे जैसे आपके हेयर कलर हो गए, हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, आई कलर हो गया, कभी कभी ये बॉडी कलर, बॉडी कलर यानी कि फादर और मदर दोनों अगर इनका कलर फेयर है तो ऐसी स्थिति में बच्चे का भी फेयर होगा, कभी आप मेल अगर ब्लैक है और फीमेल, मेल अगर ब्लैक है फीमेल अगर आपका फेयर कलर है तो ऐसी स्थिति में ये फेयर भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन ऐसी होती है कि जब मेल और फीमेल दोनों फेयर कलर हो उनका, बच्चा आपका ब्लैक आए, ये बहुत रेयर केस है। लेकिन या तो दो ही कलर है, या तो फेयर आपका फेयर कलर होगा या आपका ब्लैक कलर होगा। यही मैंने आपको बताया कि किसकी वजह से कोई व्यक्ति गोरा और काला होता है, तो आपको मैंने बताया था आपका मिलेनिक, मिलेनिन, मिलेनिन पिगमेंट की वजह से। अगर मिलेनिन पिगमेंट ये अगर लेस है, कम है बॉडी में, तो इसका मतलब यह है कि बच्चा फेयर पैदा होगा। अगर ये मिलेनिन पिगमेंट अगर ये इंक्रीज कर जाता है तो ऐसी स्थिति में बेबी जो पैदा होगा वो ब्लैक पैदा होगा। तो कोई भी व्यक्ति ब्लैक है तो उसका मतलब है उसके अंदर मिलेनिन पिगमेंट जाता है, अगर यदि कम है तो आपका मिलेनिन पिगमेंट आपका कम है तो उसका मतलब बच्चा जो होगा वो गोरा होगा या फेयर पैदा होगा, ठीक है। तो जीन क्या है, जेनेटिक करेक्टर को ये ट्रांसफर करने का काम करता है, लाइक हेयर कलर, आई कलर, बॉडी कलर, जेनेटिक डिसीज जो आनुवांशिक बीमारी होती है वो भी यहां ट्रांसफर होती है, जेनेटिक डिसीज, डिसीजेस जो आनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं ड्यू टू जीन। बात समझ आ रहा है? तो ये जो आपका पूरा टोटल पॉइंट टॉपिक जो आपका गया है कल और आज का, ये न्यूक्लियस के ऊपर टोटल पॉइंट गया है, टोटल इसमें मैंने आपको बताया सारी चीजें, अधिकतर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, कल हम जो चर्चा करेंगे वो किसके बारे में चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट जो भी आपका जो सेल ऑर्गेनल होगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो न्यूक्लियस आपका लगभग कंप्लीट हो गया है, डेली का मैटर डेली तैयार करते रहिए, ये बात मैं लगातार बोलूंगा क्योंकि ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा और ये बोझ हम लोगों को नहीं बनाना है। तो अगर आपको हमारे कंटेंट, अगर चीजें समझ में आ रही हैं, बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हम लोगों को सपोर्ट जरूर कीजिए। और ये टोटल जो कंटेंट है आपका, जो आने वाला जो एग्जाम है CDS और NDA, उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है।